Welcome to Android World Podcast. एंड्रॉयड वर्ल्ड फॉर वीआई के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं दिल्ली से अनिल और आज आपके सामने एक और नया पॉडकास्ट लेके आया हूँ। इस पॉडकास्ट में हम लोग गूगल ट्रांसलेट ऐप को देखेंगे कि हम उसका क्या क्या यूज़ कर सकते हैं, किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो मैं थोड़ा बहुत अभी आपको इसके बारे में बताता हूँ, बाकी तो फिर हम जब ऐप को देखेंगे तभी इसके बारे में जान पाएंगे। बेसिकली गूगल ट्रांसलेट में हम फ्रेजेस को और वर्ड्स को कन्वर्ट कर सकते हैं हिंदी टू इंग्लिश या वाइस वर्सा, या फिर उर्दू और भी जो भी लैंग्वेजेस हैं अवेलेबल, तमिल, अरेबिक, उर्दू, जितनी भी लैंग्वेजेस हैं, ठीक है, तो हम उसे इंग्लिश टू एनी लैंग्वेज और वाइस वर्सा इस तरीके से कर सकते हैं। बेसिकली इसमें आप अगर बहुत सारे टेक्स्ट को ट्रांसलेट करेंगे तो वो उसमें ग्रामेटिकल काफ़ी एरर्स आते हैं। ट्रांसलेट तो वो हो जाएगा बट वो ग्रामर उसकी बहुत ज़्यादा गलत होती है। बेसिकली इसका जो यूज़ है वो फ्रेजेस को, जो सिंगल सेंटेंसेस होते हैं, जैसे हाउ आर यू को अगर आप हिंदी में कन्वर्ट करेंगे तो वो आपके क्या हाल हैं, या फिर आप क्या कर रहे हैं को आप इंग्लिश में करेंगे व्हाट आर यू डूइंग, या फिर कोई एक वर्ड है, वर्ड कोई सा भी हो वो तो उसको ट्रांसलेट कर देगा किसी भी लैंग्वेज में, ठीक है, उसको हम एज ए डिक्शनरी भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं अभी आपको उसको यूज़ दिखाऊंगा। तो सबसे पहले मैं बताऊं कि मैं मोटो जी थर्ड जनरेशन डिवाइस यूज़ कर रहा हूं विद मार्शमेलो 6.0.1 लेटेस्ट टॉकबैक के साथ 5.2.0, और गूगल ट्रांसलेट भी लेटेस्ट ही है 5.8.1। तो हम सीधे चलते हैं प्ले स्टोर में। सबसे पहले गूगल ट्रांसलेट को हम इंस्टॉल करेंगे। प्ले स्टोर शो नेविगेशन ड्रॉप एप्स एंड गेम फीचर डे फन Showing items 1 to 2 of 7. Show navigation drawer button out of list. तो मैंने top left corner से navigation drawer button को focus किया है, यहाँ से right swipe करूँगा. Search button. Double tap. Showing English keyboard. अब मैं यहाँ पे type करता हूँ Google Translate. C F G P O out of list. O out of list. G L E space T T R A out of list N S L A T E search keyboard hidden app Google Translate rated for 3 more info button install button इसको हम इंस्टॉल कर लेते हैं। Play Store showing items 1 to 5 of 14। तो अब ये हमारी ऐप जो है इंस्टॉल हो चुकी है, इसको हम अब देखते हैं ओपन करके। You might also like more. Open button. Translate. ठीक है, अब ये हमारा ट्रांसलेट की जो ऐप है ये खुल चुकी है। आपकी ऐप विंडो में ये ट्रांसलेट के नाम से ही इंस्टॉल होगी, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में टी से मिलेगी, लेकिन जब आप इसको प्ले स्टोर से ढूंढेंगे तो आपको इसे गूगल ट्रांसलेट के हिसाब से ढूंढना होता है। तो अब ये हमारी ऐप खुल गई है, इसे राइट स्वाइप करेंगे। Set up Google Translate. Set up. Your primary language. ठीक है, ये है drop down list english primary language english language you translate most often आपको कौन सी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना है, राइट स्वाइप करूंगा दोबारा से। drop down list spanish इसमें स्पेनिश है तो मैं यहां पे हिंदी कर लेता हूं। drop down list english drop down list spanish check spanish in sundanese sizato sindhi portuguese polish malayalam Latin, Kazakh, showing Kannada, Javanese, Japanese, Italian, Irish, Indonesian, Igbo, Icelandic, Hungarian, Hmong, Hindi. Translate. ठीक है, ये मैंने इसको कर दिया हिंदी में। इसमें और रीजनल हमारी जो लैंग्वेज हैं वो भी आपको मिल जाएंगी, अगर आप तमिल, मलयालम या उर्दू, मराठी, गुजराती, जिसमें भी करना चाहें वो आपकी यहाँ पे चॉइस है। तो अब आगे राइट स्वाइप करेंगे। Set up Google Translate. Your primary language. Drop down list English. ठीक है। Language you translate most often. Drop down list Hindi. ये मैंने कर दिया हिंदी, राइट स्वाइप। Check translate offline checkbox.
ऑफलाइन ट्रांसलेशन जब आपको करनी होती है तो उसमें आपको फिर ऑफलाइन पैकेज भी डाउनलोड करना होता है, वो भी मैं आपको अभी दिखा दूंगा। Translate these languages even when you don't have an internet connection 32 MB. ठीक है, ये आ गया यहाँ पे 32 MB का। Done button. Translate these languages even when you don't have an internet connection 32 MB. ठीक है, इसको मैं कर लेता हूँ। Done button. Translate these languages even when you don't have an internet connection 32 MB. Check translate offline checkbox. Translate. Done button. अभी मैं इसको डन करता हूँ। Download started. Download will start when you connect to Wi-Fi. अच्छा, इसमें सेटिंग है कि इसने वाईफाई की सेटिंग मांगी है, तो इसको मैं वाईफाई में ही डाउनलोड कर लूँगा। फिलहाल मेरा मोबाइल डेटा शायद सेलेक्ट हुआ पड़ा है। तो ये हमारा अभी हिंदी का जो पैकेज है वो डाउनलोड हो चुका है, तो इसमें आगे देखते हैं। English, Hindi. Remove the offline translation file. All available. Afrikaans. बाकी लैंग्वेजेस भी हैं इसमें, आपको जो जो लैंग्वेज चाहिए हो तो वहाँ से यहाँ से आप ले सकते हैं, रीजनल लैंग्वेज हो चाहे इंटरनेशनल लैंग्वेजेस हो। ठीक है, हाँ, मैं यहाँ से बैक कर लेता हूँ। Translate in list. अब यहाँ पे देखते हैं क्या आता है। Open navigation drawer button. Google logo. Translate. राइट स्वाइप कर रहा हूँ मैं। Original language English. Drop down list. ठीक है, ओरिजिनल यानी कि आपको इंग्लिश में टाइप करना है या बोलना है, बोल के टाइप करना है। Swap languages button. Translated language Hindi. हिंदी में ट्रांसलेट हो जाएगा। ठीक है, ये जो swap languages button है ये उसको vice versa करने के लिए, यानी कि प्राइमरी लैंग्वेज में हिंदी आ जाएगी और उधर हिंदी की जगह इंग्लिश आ जाएगी अगर आपको vice versa करना है तो। Translated language Hindi. Drop down. Tap to enter text. यहाँ पे tap to enter text, यहाँ पे आप कुछ लिखेंगे तो वो अपना उसको कैच कर लेगा और हिंदी में ट्रांसलेट कर देगा। कैमरा बटन सिलेक्टेड। कैमरे से फोटो खींच के भी आप कर सकते हैं। स्पीच बटन स्पीच बटन यहाँ पे बोल के भी कर सकते हैं, तो ये बेसिकली आपको जब आप बोल के करेंगे तो ये आपको बोल के ही रिप्लाई भी देगा और नीचे आप उसको टेक्स्ट में पढ़ भी सकते हैं। तो इसके एक बार ट्राई कर लेते हैं। Allow translate to record audio. Allow, इसको परमिशन देनी है, एक बार इसको परमिशन दे देता हूँ मैं। Allow button. Translate. Translate. Open navigation drawer. Google logo. Translate. Original language English. Swap. Translated language Hindi. Drop down list. ठीक है, ये मैंने आपको स्वाप बटन स्वाप लैंग्वेजेस बटन इसमें बता ही दिया है। अब आगे चलते हैं। ट्रांसलेटेड टैप टू एंटर टेक्स्ट। टैप टू एंटर टेक्स्ट यहां पे डबल टैप करते हैं। कीबोर्ड एडिट बॉक्स एंटर टेक्स्ट इंग्लिश शोइंग इंग्लिश कीबोर्ड। मैं यहां पे लिख देता हूं मिसाल के तौर पे हाउ आर यू लिख देता हूं। ठीक है, बी एच आई ओ एस डब्ल्यू स्पेस ए आर ई स्पेस वाई आई ओ यू। ठीक है, एक बार देख लेता हूँ एडिट बॉक्स में। इन एडिट बॉक्स एडिटिंग हाउ आर यू। ठीक है, अब मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ। गो गो बटन है कीबोर्ड में। ट्रांसलेट कीबोर्ड हिडन। देखते हैं इसने क्या दिखाया। स्क्रीन के बीच में हाथ लगाता हूँ। हिंदी एड टू फेसबुक बटन हैंडराइटिंग बटन स्पीच बटन कैमरा बटन सेलेक्ट हाउ आर यू। ये इंग्लिश में है। कैंसिल इनपुट बटन कैमरा बटन सेलेक्टेड स्पीच हैंड हिंदी ऐड टू फेसबुक बटन क्या हाल है। ठीक है, क्या हाल है हाउ आर यू। ठीक है, ऐड टू फेसबुक बटन इसको आप फेसबुक में ऐड भी कर सकते हैं। क्या हाल है ये रोमन में भी बता रहा है, यानी कि हिंदी को इंग्लिश में लिख रहा है। कॉपी बटन यहां से आप इसको कॉपी कर सकते हैं राइट स्वाइप करके। ठीक है, मोर ऑप्शंस बटन अल्टरनेट ट्रांसलेशंस Alternate translation. क्या हाल है? आपका स्वास्थ्य कैसा है? ये देखिए। Question mark. How are you? इसने alternate translation अपनी तरफ से दे दिए। Open navigation drawer button. ठीक है, अब इसमें और देख लेते हैं एक बार इसे। Google logo. Translate. Original language. Swap. Translate. English. Can't. How are you? Camera button selected. Speech button. Speech button. इसमें हम देखते हैं। इसमें बेसिकली क्या होता है कि टेक्स्ट टू स्पीच अगर आपका साथ में बोल पड़ेगा तो वो गड़बड़ कर देगा। अगर हेडफोन के साथ इसको आप यूज़ करेंगे तो बहुत अच्छा ये इसका इस्तेमाल होता है। मैं फिर भी यहाँ पे आपको करी करके दिखा देता हूँ। व्हाट आर यू डूइंग। तुम क्या कर रहे हो। देखिए, उसने अपना स्पीच में आपने बोला तो उसने आपको स्पीच में ही रिप्लाई दे दिया। कैंसिल इनपुट बटन। तो ये जो कैंसिल बटन है इस पर मैं डबल टैप करूंगा दोबारा से तो दोबारा से रिकॉर्डिंग चालू हो जाएगी स्पीच कमांड के लिए। तो मैं इसमें डबल टैप करता हूँ एक बारी।
आई एम ऑल राइट। मैं ठीक हूँ। ठीक है, उसने बता दिया कि मैं ठीक हूँ। तो ये नीचे मेरे ख्याल से टेक्स्ट में भी आ रहा होगा, मैं ठीक हूँ। ये देखिए English। ठीक है, अब हम इसको वॉइस वर्सा करके देखते हैं। Edit box, I am all right. Navigate up button. Speech. Swap languages button, out of list. ये जो swap language button था, इसको double tap करूँगा मैं। देखते हैं एक बारी कि change हुई कि नहीं हुई language. Open navigation drawer. Google logo. Translate. Original language Hindi. Drop down list. ठीक है, ये हिंदी में आ गया है। अब हम लिख के और बोल के दोबारा दोनों try करेंगे। Speech button. Camera button. Tap to enter text. Keyboard. Edit box, enter, comma. Showing item 1 of 3. Next language. Showing Hindi transliteration keyboard. मैं यहाँ पर लिख देता हूँ नमस्ते। M N M Z S T E Input, edit box, editing. नमस्ते। ठीक है, अब मैं go button करता हूँ जो हमारे keyboard में है। Go. Translate. नमस्ते। Keyboard. Noun. Alternate translations. More options button. Copy button. Hello. देखिए, इसने दे दिया hello. अब इसके बारे में नीचे grammar भी बताएगा आपको क्या-क्या right swipe करता हूँ. Copy button. यहाँ से copy कर सकते हैं. More options button. Alternate translations. More option के बाद मैं right swipe किया है. Alternate translation देगा ये. Right swipe करेंगे. Noun. Noun है. Hello. हेलो, नमस्ते, अभिनंदन, सलाम, स्वागत, अभिवादन। देखिए, ये डिक्शनरी आपकी हो गई। हेलो का उसने बता दिया क्या क्या है। सलाम, सैल्यूटेशन, वेलकम, फीबा, सलाम। ठीक है, ये इस तरीके से मैं दोबारा से एक बार बैक करूंगा। स्पीच बटन, अब मैं बोल के दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं डबल टैप करूंगा इस पे। मैं अभी रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। I'm recording now. देखिए, ठीक है, ये इस तरीके से होगा। तो अब हम इसमें डिक्शनरी का यूज देख लेते हैं कि किस तरीके से करना है। Tap to enter text out of list. ठीक है, ये मिल गया मुझे। इसमें डबल टैप करते हैं। Keyboard. Edit box. Enter. अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हिंदी में, जिसको कि मैं उसका इंग्लिश में मतलब चाहता हूँ। तो मैं लिखता हूँ पहेली। P. G H S E K L I। देखता हूँ मैं एडिट बॉक्स में क्या छपा है। कैंसिल इनपुट, एडिट बॉक्स, एडिटिंग। ठीक है, अब मैं देखता हूँ गो बटन, देखता हूँ कीबोर्ड में। गो, ट्रांसलेट, कीबोर्ड हिट, इंग्लिश, ऐड टू फ्रेसबुक बटन, पजल। पजल, देखिए ये बता दिया इसने। डिक्शनरी एक तरीके से। ठीक है, कॉपी बटन, कॉपी कर सकते हैं। More options button. Alternate translations. Noun. Noun है। Puzzle. पहेली। Riddle. Puzzle. पहेली उलझन, गोलकधंधा, समस्या, मूलमाप, चक्रव्यूह। ठीक है। Riddle. पहेली गूंज, बड़ी चालनी। Riddle. Conundrum. पहेली गोलकधंधा। Enigma. पहेली रहस्य। Puzzlement. पहेली परेशानी, संकोच, उद्विग्न। Riddle. पहेली बड़ी चालनी। सीक्रेट, रहस्य, राज, भी मन भाल। पहेली 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 पोजर, पहेली कूट प्रश्न, कठिन प्रश्न, उलझन, समस्या। ठीक है, रिबस, पहेली उज्ज्वल, कूट। ये इसने इसका ऑप्शन हमें दे दिया है। तो इस तरीके से आप इसमें डिक्शनरी का भी यूज कर सकते हैं। तो एक बार हम इसमें इंग्लिश का भी देख लेते हैं। रिडल, हिंदी, कैंसिल इनपुट बटन, Translated language English. Drop down. Swap languages button. मैं इसमें double tap करता हूँ। पहेली. Original language English. Drop down list. अब English आ गई है. Translate from Hindi. Hindi. Add to phrasebook button. Translate from handwriting button. Speech button. Camera button. तो आप जो ये dictionary का use बोल के भी कर सकते हैं। Word आप English में बोलेंगे उसका मतलब आपको हिंदी में मिल जाएगा। बट मैंने जैसे बताया कि हेडफोन के साथ ये बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि टीटीएस बीच में बोल पड़ता है तो वो फिर कुछ और भी कैच कर लेता है। फिर भी मैं एक बार कोशिश करता हूँ आपको दिखाने का। स्पीच बटन, इलीगल,
अवैध, देखिए इसने बता दिया अवैध, यही चीज़ नीचे भी आई होगी, ठीक है। दोबारा से मैं कैंसिल इनपुट बटन को फोकस में रख के डबल टैप करूंगा। कैंसिल इनपुट बटन। इनक्रोचमेंट, अतिक्रमण, ठीक है, इसने बता दिया अतिक्रमण। तो इस तरीके से आप इसमें डिक्शनरी का बहुत बेहतर प्रयोग कर सकते हैं। स्पीच बटन आउट ऑफ लिस्ट, ये हमने देखा स्पीच बटन। कैमरा बटन टैप टू एंटर टेक्स्ट। अब हम यहाँ पे कीबोर्ड लिख के कुछ देखते हैं और उसका हम ट्रांसलेट करके देखेंगे। कैमरा बटन तो हमने अभी स्पीच बटन देखा, अब हम इसमें टाइप करके देखेंगे। टैप टू एंटर टेक्स्ट कीबोर्ड एडिट बॉक्स एंटर टेक्स्ट इंग्लिश शोइंग हिंदी ट्रांसलिटरेशन कीबोर्ड। कीबोर्ड को चेंज करना होगा। C space next language showing English keyboard। इसमें हम एक वर्ड यहाँ पे टाइप कर लेते हैं, देखते हैं क्या टाइप करते हैं। A S L K, ठीक है, ये हमने टाइप कर दिया है। In edit box editing ask। अब हम यहाँ पे go जो कीबोर्ड में उसको देखते हैं डबल टाइप करके, go मतलब टच करके। Translate ask keyboard hidden। अब हम देखते हैं स्क्रीन में क्या आया इसके बारे में। पूछना, देखिए इसने बता दिया। राइट टाइप करेंगे। पूछना, कॉपी बटन, मोर ऑप्शंस बटन, अल्टरनेट ट्रांसलेशंस, वर्ब। वर्ब है ये, ठीक है, इसने बता दी ग्रामर इसकी। पूछना, मांगना, सोलिसिट, पोस्टुलेट, एस्क, सीक, डिमांड, रिक्वायर, याचना करना, स्क्राउंच, इंप्लोर, सप्लिकेट, एस्क, साग्रह, प्रार्थना करना, एस्क, अटेस्ट, ठीक है, ये सब है। तो इस तरीके से हम इसमें डिक्शनरी का बेहतर इस्तेमाल कर सकते हैं। एक बार ये जो मोर ऑप्शन बटन पीछे आ रहा था उसको हम देख लेते हैं क्या मिलेगा उसमें। मैं राइट लेफ्ट स्वाइप करूंगा, लेफ्ट स्वाइप करके जा रहा हूं मैं। वर्ब अल्टरनेट ट्रांस मोर ऑप्शंस बटन, क्योंकि ये कई बार आ चुका मोर ऑप्शन बटन, इसको देख लेते हैं। शेयर इन लिस्ट, ये शेयर करने के लिए है। फुल स्क्रीन, फुल स्क्रीन, स्टार्ट कन्वर्सेशन, कन्वर्सेशन स्टार्ट करने के लिए है। रिवर्स ट्रांसलेट, रिवर्स ट्रांसलेट, यहाँ से वो अपने आप ही रिवर्स ट्रांसलेशन हो जाएगी। शेयर, ठीक है, ट्रांसलेट। तो साथियों अब हम गूगल ट्रांसलेट में कुछ अदर फीचर्स भी देख लेते हैं। एक तो इसका जो टैप टू ट्रांसलेट वाला फीचर है वो भी हम देखेंगे, वो भी किस तरीके से हम उसका यूज़ कर सकते हैं, और दूसरा हम इसकी सेटिंग भी अभी देखते हैं कि हम क्या क्या कर सकते हैं। तो अभी गूगल ट्रांसलेट में हम सबसे पहले जाते हैं नेविगेशन ड्रॉ बटन पे। Google open navigation drawer button menu। अब इसके अंदर क्या क्या है ये हम देख लेते हैं। Signed into artpratham@gmail.com। इसने पहले ये बता दिया कि कौन सी आईडी इसमें यूज हुई है। Signed in। Right swipe करूंगा। Anil Kumar artpratham@gmail.com। Right swipe। Show accounts button। Right swipe। Home in list। ये होम, अभी हम इसमें डबल टैप करेंगे तो हम सीधे फिर मेन पेज पे पहुंच जाएंगे। हम करके देख लेते हैं एक बारी। ट्रांसलेट, देखिए ओपन नेविगेशन, गूगल लोगो, ट्रांसलेट, ओरिजिनल लैंग्वेज इंग्लिश ड्रॉप डाउन लिस्ट। ये हम वापस बैक पहुंच गए यानी कि होम पेज पे। तो दोबारा से हम चलते हैं ओरिजिनल लैंग्वेज, नेविगेशन ड्रॉप बटन ढूंढेंगे हम। ओरिजिनल लैंग्वेज ओपन नेविगेशन ड्रॉप मेन्यू, फेसबुक इन लिस्ट, Show accounts button, Anil Kumar art, home in list। अब ये हमने देख लिया ऑप्शन, इसके बाद अगला ऑप्शन देख लेते हैं। Facebook। ये Facebook है, यानी कि जो सेंटेंसेस हमने ट्रांसलेट किए थे किसी भी लैंग्वेज से किसी भी दूसरी लैंग्वेज में, तो वो एड टू Facebook या कॉपी, आप यहाँ से वो Facebook हमें जो हम उसे ऐड करेंगे तो Facebook हमें यहाँ मिलेगी। SMS translation। ये SMS ट्रांसलेशन है। ऑफलाइन ट्रांसलेशन। ये ऑफलाइन ट्रांसलेशन है। सेटिंग्स। ये सेटिंग है। हेल्प एंड फीडबैक। ये हेल्प एंड फीडबैक है। तो सेटिंग इसकी देख लेते हैं एक बार हम। सेटिंग्स। सेटिंग्स। शोइंग आइटम्स 1 टू 3 ऑफ 3। अगला राइट स्वाइप करता हूं मैं। नेविगेट अप बटन। सेटिंग्स। राइट स्वाइप। टैप टू ट्रांसलेट इन लिस्ट। टैप टू ट्रांसलेट। स्पीच इनपुट। स्पीच इनपुट। डेटा यूसेज। डेटा यूजेस। क्लियर हिस्ट्री बटन आउट ऑफ लिस्ट। क्लियर हिस्ट्री, ठीक है, ये इसमें ऑप्शन है। अभी इसमें जो क्लियर हिस्ट्री है, डेटा यूसेज इन क्लियर हिस्ट्री बटन आउट ऑफ लिस्ट, ये जो होम पेज पे हमारी जो कॉपी बन जाती है जितनी भी हम ट्रांसलेशन करते हैं
अगर वो हमें होम पेज खाली करना हो गूगल ट्रांसलेट का, तो इसे हम यहाँ से क्लियर हिस्ट्री कर सकते हैं, यानी कि हमें सेटिंग में जाना होगा, उसके बाद क्लियर हिस्ट्री जो कि लास्ट वाला ऑप्शन है। अब इससे पहले देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन है। डेटा यूसेज इन लिस्ट, डेटा यूसेज, इसमें देख लेते हैं डबल टैप करके। प्रेफर नेटवर्क टेक्स्ट टू स्पीच, यूज हाई क्वालिटी नेटवर्क टेक्स्ट टू स्पीच व्हेनेवर अवेलेबल ऑन स्विच इन लिस्ट। ठीक है, ये ऑन है बाय डिफॉल्ट। डाउनलोड ऑफलाइन ट्रांसलेशन फाइल्स, Download offline translation files when there is a Wi-Fi or mobile data connection available. ठीक है, ये ऑप्शन इसमें हमने रखा है। आप यहाँ पे ओनली वाईफाई भी कर सकते हैं। मैंने वाईफाई और मोबाइल दोनों रखा है। ठीक है, जो हम ऑफलाइन पैकेजेस को डाउनलोड करते हैं। Improve camera input. Allow Google to retain your images related to translation on switch. ये हमने by default on है। इसको कुछ नहीं करना। Navigate up button out of list. ठीक है, back आ जाते हैं। Tap to trans. Showing items 1 to 3 of 3. Data speech input. Data usage. ये हमने देख लिया था। अब इससे पहले वाला ऑप्शन देखते हैं। मैं लेफ्ट साइड पर जा रहा हूँ क्योंकि मैं आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर में मैं आपको बता रहा हूँ। Speech input. इसके अंदर देख लेते हैं डबल टैप करके। Speak output. Automatically speak translated text on switch in list. ठीक है, translated text. अगर आपने यहाँ पे वॉइस कमांड दी है तो वो अपने आप ही उसको बोलेगा, तो ये परमिशन पहले से ऑलरेडी इसमें है, इसको बाय डिफॉल्ट रहने देते हैं। Block offensive words, hide recognized offensive speech results off switch. ये बड़ा इम्पोर्टेंट फीचर है, ब्लॉक ऑफ ऑफेंसिव वर्ड। इसमें बेसिकली कुछ वर्ड्स हिंदी के ऐसे हैं जैसे कार्य है, अगर हमने वर्क इंग्लिश में लिखा और इसकी ट्रांसलेशन हमने कार्य करवाई तो वो उसको तारांकन तारांकन ऐसे पढ़ देगा। और वैसे भी इसको ऑफेंसिव वर्ड हम इतने, क्योंकि थोड़ा सा ये अगर वर्ड के हिसाब से आप जाएंगे तो अलग चीज़ है, बट लेकिन हिंदी में अगर आपको ट्रांसलेशन करना है तो आपको ये ऑफेंसिव वर्ड वाला सिस्टम ये आपको ऑफ ही रखना पड़ेगा। ऑन करेंगे तो कुछ कुछ जगह पर वह तारांकन तारांकन बोलेगा हिंदी की ट्रांसलेशन में, जो कि स्टार 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 होता है इंग्लिश में, तो इसको ऑफ ही रखना बेहतर रहेगा। Recognize both language. Block offensive words. Hide recognized offensive speech results. Off switch. ये by default on रहता है, तो इसको मैंने off कर रखा, तो आप भी इसे off कर सकते हैं, ठीक है? Recognize both languages. Speak in either one of the two selected languages without tapping on screen to switch languages. Off switch. ये basically इसमें क्या है कि आप बोलते जाएंगे और वो translation करता जाएगा speak voice speak के through. बट इसमें होता क्या है कि अगर आप इसमें बिना ईयरफोन के अगर आप ये वाला ऑपरेशन करेंगे तो वो आपकी भी आवाज़ सुनेगा और टेक्स्ट टू स्पीच की भी सुनेगा, तो उसकी खिचड़ी पक जाती है उसकी। इसलिए ये वाला जो ऑपरेशन है, अगर खासकर जो वॉइस इनपुट के थ्रू हम रिजल्ट चाहते हैं तो वो हमें हेडफोन में करना चाहिए, मैंने पहले भी बताया है कई बार, क्योंकि आपने अगर ओपन फोन में विदाउट एनी हेडसेट आपने वॉइस कमांड दी, इसको वॉइस इनपुट किया, तो बेसिकली वो जैसे ही कुछ ना कुछ TTS की आवाज़ कैच कर लेगा और फिर वो मिक्सअप रिजल्ट देगा आपको। कई बार वो TTS का भी कुछ पकड़ लेगा और आपने जो बोला वही पकड़ लेगा और उसका ट्रांसलेशन आपको गड़बड़ मिलेगा। तो इसलिए कभी भी अगर आपको वॉइस इनपुट के थ्रू रिजल्ट चाहिए, आपने वॉइस इनपुट के थ्रू काम करना है इसमें, यानी कि स्पीच कमांड देनी है, तो आप हमेशा इसको हेडफोन में ही मैं प्रेफर करूँगा आपको, ठीक है? तो मैं चाहूँगा कि आप ये हेडफोन में ही यूज़ करें, तभी आपको बेटर रिजल्ट मिलेंगे। तो उस दशा में क्या होगा, ये वाला जो ऑप्शन था, दोबारा दिखाता हूँ मैं एक बार। Block of recognize both languages. Speak in either one of the two selected languages without tapping on screen to switch languages. Off switch. तो ये वाला जो ऑप्शन है, इसमें क्या है कि जैसे मान लीजिए आपने बोला वर्क, उसने बोला कार्य, अब आप बिना टैप किए ही अगला वर्ड बोलेंगे, एग्जाम्पल वो बोल देगा उदाहरण, ठीक है, या आपने हिंदी में बोला उदाहरण वो बोल देगा एग्जाम्पल, तो इस तरीके से वो चलता रहेगा अपने आप ही, ठीक है? वैसे आपको बाय डिफॉल्ट एक एक बार ही करना होता है, मतलब डब अपने टैप टू स्पीक किया, आपने बोला, उसने उसको कैच किया, रिजल्ट दे दिया, ठीक है? फिर आपको नेक्स्ट कमांड दोबारा देनी होगी, या तो कैंसिल इनपुट करना होगा, तब आपका वॉइस कमांड चालू होगा, फिर से आप कुछ बोलेंगे तब रिजल्ट देगा। बट आप अगर कंटिन्यूसली बोलना चाहते हैं कि आपने एक वर्ड बोला उसने उसका रिजल्ट दिया, फिर आप नेक्स्ट वर्ड बोले उसने उसका रिजल्ट दिया यूजिंग व्हाइल यूजिंग हेडफोन, ठीक है, तो वो फिर ये वाला ऑप्शन वहाँ पे काम आता है। अगला देख लेते हैं। डायलेक्ट्स, ये डायलेक्ट्स हैं, एक तरीके के प्रोनाउंसिएशन समझ लीजिए उनको,
या वो जो पैकेजेस होते हैं लैंग्वेज के. Arabic default dialect. ठीक है. Chinese simplified default. Chinese tradition. English French default dialect. Portuguese default dialect. English default dialect. अब हमारा इंग्लिश का हमने यूज किया हुआ है, हम इसको देखते हैं एक बारी क्या है इसके अंदर. Select speech input dialect. Select speech in check default dialect in English Australia. ठीक है. आपने कौन से लहजे में बुलवाना है या सुनना है ये वो चीजें डायलेक्ट्स. Settings. बैक कर लिया मैंने. French default dialect. Portuguese default dialect. Portuguese Spanish. Navigate up button out of tap to translate in. इसमें इतना ही था. अगला data usage. Speech input. Tap to translate. ये tap to translate वाला ऑप्शन है, इसको देख लेते हैं एक बारी. Enable tap to translate on switch in list. ये मैंने अभी enable किया हुआ, by default ये disable रहता है. तभी इसका ऑप्शन आपको होम पेज पे मिलेगा जैसे आप गूगल ट्रांसलेट को इंस्टॉल करेंगे. ठीक है, तो अभी इसको आप वहां से भी ऑन कर सकते हैं, मैंने इसको पहले ही ऑन किया हुआ है. Show notification off switch. नोटिफिकेशन में इसमें बेसिकली क्या है कि नोटिफिकेशन में आपको टैप टू ट्रांसलेट का ऑप्शन मिलेगा. अभी क्या होता है कि बाय डिफॉल्ट वो आपको मिलेगा जहाँ पे व्हाट्सएप का मोर बटन होता है, मोर ऑप्शन, वहाँ पे उस लोकेशन में उससे नेक्स्ट नीचे बिल्कुल वहाँ पे आपको टैप टू ट्रांसलेट मिलता है. Preferred languages, English, Hindi. आप ये टैप टू ट्रांसलेट में लैंग्वेजेस डाल सकते हैं, प्रेफर्ड लैंग्वेजेस. लर्न मोर. अभी इसमें इतना ही है. Tap to translate in list. Settings. Navigate up button. Translate. Open navigation drawer button. Showing item 1 of 1. तो सेटिंग में ये टैप टू ट्रांसलेट का लास्ट ऑप्शन था. अब हम पीछे से बैक वापस चलेंगे. Open navigation drawer. Help and feedback settings. ये सेटिंग हमने देख लिए. अभी इससे पहले मैं लेफ्ट साइड करके जा रहा हूँ, कौन सा ऑप्शन है वो देख लेते हैं. Offline translation. इसके अंदर देख लेते हैं क्या कर सकते हैं. Showing items 1 to 11 of 55. इसमें बेसिकली हमारे जिस जिस चीज की हमें ट्रांसलेशन ऑफलाइन मोड पे करनी है तो वो वॉइस पैक हमें डाउनलोड करने होते हैं. अब आपके ऊपर है आप कौन कौन से लैंग्वेजेस यूज करते हैं. जैसे मैं बाय डिफॉल्ट इसमें इंग्लिश का तो रहता ही है, हिंदी का मैंने अलग से किया तो मैं दिखा देता हूँ. राइट स्वाइप करूंगा. नेविगेट अप बटन. ऑफलाइन ट्रांसलेशन. डाउनलोडेड लैंग्वेजेस इन लिस्ट. देखिए डाउनलोडेड लैंग्वेजेस अभी देखते हैं कौन कौन सी हैं. इंग्लिश, हिंदी. हिंदी. Remove the offline translation file. All available languages. ठीक है, बाकी इसमें अदर लैंग्वेजेस हैं वो आप यहाँ से कर सकते हैं. Afrikaans. Add the offline translation file. Albanian. Add the offline translation file. तो मैं बैक करता हूँ यहाँ से. Hindi. Showing item 1 of 1. Tap to enter text. वापस से नेविगेशन ड्रॉ में जाऊंगा. Open navigation drawer. SMS translation in list. Offline translation. ये हमारा ऑफलाइन ट्रांसलेशन हो गई है. SMS translation. ये बेसिकली SMS को ट्रांसलेट करने की चीज है कि आप SMS जो होते हैं उनको डायरेक्टली ट्रांसलेट कर सकते हैं. ठीक है, इसमें बहुत ज्यादा कुछ नहीं है, सिंपल है. अगला चलते हैं. Facebook. ये Facebook मैंने आपको पहले बताई दी थी. Home. ठीक है, ये होम पेज हो गया. Translate. तो अब हम बाकी तो हमने सारा कुछ इसका देख ही लिया है. अभी इसका टैप टू ट्रांसलेट का हम फीचर देख लेते हैं एक बारी कि हम उसको कैसे यूज कर सकते हैं. तो उसके लिए पहले हमें ऐसी जगह में जाना होगा कि जहां से हम कुछ चीज कॉपी कर सकें. बेसिकली टैप टू ट्रांसलेट तभी होता है जब आप कोई चीज सेलेक्ट करके कॉपी करते हैं. ठीक है, ऑन द स्पॉट होता है वो, आपको उसके लिए गूगल ट्रांसलेट में जाने की जरूरत नहीं है. तो हम अभी व्हाट्सएप में चलते हैं, वहां से हम एक मैसेज को कॉपी करेंगे, फिर हम उसको टैप टू ट्रांसलेट का यूज करके देखते हैं कि कैसे मिलेगा वो. ठीक है, तो मैं एक देखता हूँ व्हाट्सएप में. सबसे पहले व्हाट्सएप में चलेंगे. ओवरव्यू. ओवर व्हाट्सएप. व्हाट्सएप एंड्रॉइड वर्ल्ड 4 फाइंड SBANDplus 9230 नलिमा 4:4 व्हाट्सएप टाइप अ मैसेज एडिट बॉक्स. यहां पे मैसेज देख लेते हैं. अटैच बटन 5 point. He numbered a case Imrat. Prayer written by Mahatma Gandhi, composed by Vasant Desai and sung by Mamay. Very beautiful composition. 1:30 PM. इसको कॉपी कर लेते हैं. डबल टैप एंड होल्ड किया मैंने. अब ऊपर कॉपी का ऑप्शन ढूंढ लेता हूँ. Forward out of list. Copy. तो ये कॉपी हो चुका है, डबल टैप कर दिया मैंने. अब हमें type a message, edit box. टैप टू ट्रांसलेट को ढूंढना है जो कि हमें मोर ऑप्शन के आसपास मिलता है. Tap to translate. ये देखिए, इस पे डबल टैप कर देता हूँ. Translate. अब ये हमारा सीधे
ट्रांसलेशन में आ गया है, यहाँ पे राइट स्वाइप करके देख लेते हैं क्या क्या है। टैप टू ट्रांसलेट, सेटिंग्स बटन, ओपन इन मेन ऐप बटन, कैंसिल बटन, लिसन इन द ओरिजिनल लैंग्वेज, हिनामृत के सम्राट, प्रेयर, ओरिजिनल लैंग्वेज हिंदी, ड्रॉप डाउन लिस्ट, लिसन इन द ट्रांसलेटेड लैंग्वेज, हिनामृत के सम्राट, प्रेयर रिटन बाय महात्मा, ट्रांसलेटेड लैंग्वेज इंग्लिश, ड्रॉप डाउन लिस्ट। यहाँ पे बेसिकली हमें लैंग्वेज स्वैप करनी होगी, तो मैंने पहले से स्वैप नहीं करा था, तो अभी हम चेंज कर लेते हैं। He numbered, listen in the translate, original language, Hindi, drop down list. इसको English कर लेते हैं. English in list. Double tap कर दूंगा इसके ऊपर. Translate. Tap to translate. आगे right swipe करूंगा. Settings, open it, cancel, listen in the original, he numbered a case amrat, original language, English, drop down, listen in the translate. वर्णमृता के सम्राट, प्रार्थना द्वारा लिखे गए महात्मा गांधी द्वारा रचित वसंत देसाई द्वारा गाया नामिडे, बहुत सुंदर संरचना, एडिट बॉक्स। ठीक है, ये ट्रांसलेशन हो गई है। तो इस तरीके से हमें ट्रांसलेशन जो टाइप टू ट्रांसलेट है वो हमें इंस्टेंटली मिलती है, हमें मेन ऐप में जाने की जरूरत नहीं है। हालांकि मेन ऐप का भी ऑप्शन है, यहाँ पे देखाता हूँ मैं आपको, लेफ्ट स्वाइप करूंगा वापस से। ये देखिए Translate. मैं डबल टैप कर लेता हूँ इसमें, अभी हम मेन ऐप में आ गए हैं। Open navigation drop, Google logo, translate, original language, English drop down list. एक चीज ये ध्यान रखिएगा कि अगर आपको जब आप टैप टू ट्रांसलेट का इजी यूज करना चाहते हैं तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि आपकी ओरिजिनल लैंग्वेज कौन सी है। मान लीजिए आपको हिंदी का मैसेज कॉपी करके इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है तो आपकी ओरिजिनल लैंग्वेज हिंदी होनी चाहिए। अगर आप इंग्लिश का मैसेज हिंदी में ट्रांसलेट करके सुनना चाहते हैं तो आपकी ओरिजिनल लैंग्वेज इंग्लिश होनी चाहिए और ट्रांसलेटेड लैंग्वेज हिंदी होनी चाहिए। तो जैसा कि मेरे पास ये आपने देखा अभी ड्रॉप डाउन मेन्यू में ओरिजिनल लैंग्वेज मेरे पास इंग्लिश के बजाय हिंदी थी, खैर जैसे ही मैंने चेंज किया तो मुझे रिजल्ट मिल गया, लेकिन अगर पहले से ही मेरा ओरिजिनल लैंग्वेज इंग्लिश रहता तो और जल्दी काम होता। तो इस तरीके से टैप टू ट्रांसलेट का यूज होता है। तो अभी स्वैप लैंग्वेजेस बटन, हम मेन ऐप में आ गए हैं, जैसे कि मैंने आपको अभी ऊपर ऑप्शन दिखाया था कि ओपन इन ऐप बटन का भी ऑप्शन है इसमें, इसमें और राइट स्वाइप करके देख लेते हैं क्या क्या है। Translated language, Hindi, drop down list, English, cancel input button, he numbered a case amrat, prayer written, selected camera, speech button, handwriting button, Hindi. Right swipe करके मैं जा रहा हूँ. Add to Facebook button. वर्णमृता के सम्राट, ये प्रार्थना द्वारा लिखे गए महात्मा गांधी द्वारा रचित। तो इसमें अब यहाँ पे मैंने आपको पहले सेटिंग में फेसबुक दिखाई थी, तो वो देखिए यहाँ पे दोबारा दिखाता हूँ। Add to Facebook button. ये जो ट्रांसलेशन है जो इसकी हुई है, वर्णमृता के सम्राट, प्रार्थना द्वारा लिखे गए महात्मा गांधी, ठीक है, इसको आप यहाँ से Add to Facebook button, जो कि इससे पहले है Add to Facebook, यहाँ से कर देंगे तो फिर वो आपको वहाँ पे मिलेगा Facebook, जो कि मैंने आपको पहले दिखाया था ऑप्शन। वर्णमृता के सम्राट, ऑफलाइन, कॉपी बटन, मोर ऑप्शंस बटन, कॉपी कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है, कहीं अगर आपको शेयर करना हो या पेस्ट करना हो कहीं, मोर ऑप्शन है इसमें, एक बार और डबल टैप करके देख लेते हैं क्या मिलेगा हमें। Share in list. Share. Full screen. Start conversation. Reverse translate. ठीक है. Refresh. Reverse translate अगर आपने करनी हो तो, यानी कि जो आपको दिखा था, जो यानी कि जो original वो message आपको दोबारा से मिल जाएगा, ठीक है. Reverse translate. Translate. तो मैं यहाँ से back करता हूँ. Offline. Copy. More option. Open navigation drawer button. ठीक है. तो ये इस तरीके से tap to translate का use होता है. तो होपफुली आपको बात समझ में आ गई होगी। तो साथियों आपने देखा कि किस तरीके से गूगल ट्रांसलेट का हम एज ए डिक्शनरी भी इस्तेमाल कर सकते हैं और जो सिंपल फ्रेजेस होते हैं, याद रखिए कि मैं फिर आपको बताऊंगा इसमें केवल फ्रेजेस और वर्ड्स जो सिंगल सेंटेंसेस होते हैं या फिर वर्ड होते हैं उन्हीं का आप अपने तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे तो आप ट्रांसलेट करें या एज ए डिक्शनरी आप उसको यूज़ करें। बट अगर आप इसमें 5-6 लाइनों का कोई पैराग्राफ डाल देंगे तो वो उसको ग्रामर के हिसाब से बहुत गलत जंबल कर देगा, आगे पीछे वर्ब कहीं पर होगा, नाउन कहीं पर होगा, तो वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं है। और ये केवल गूगल ट्रांसलेट का ही नहीं, ये जो अन्य ट्रांसलेटिंग की जो ऐप्स मौजूद हैं प्ले स्टोर पर, माइक्रोसॉफ्ट की है और भी, इसके अलावा मैंने एक आध और देखी थी, तो ये सबका यही हाल है फिलहाल। बट ये है कि फ्रेजेस और जो सिंगल सेंटेंसेस होते हैं, जैसे कि मैंने पहले बताया हाउ आर यू, व्हाट आर यू डूइंग, या आई एम ऑल राइट, या इस तरीके के जो भी जवाब होते हैं फ्रेजेस, उसका बहुत अच्छे से ये ट्रांसलेट करता है हिंदी टू इंग्लिश या इंग्लिश टू हिंदी या एनी अदर लैंग्वेज, वॉइस वर्सा जैसे भी।
और वर्ड आप इसमें हिंदी इंग्लिश जो भी टाइप करेंगे उसका आपको ये एज ए डिक्शनरी यूज़ दिखा देगा। तो उम्मीद है कि आपको जो हमारे दोस्त साथी पढ़ने वाले हैं जो काफ़ी कुछ यूज़ करते हैं लिटरेचर का, तो उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, ऐसी मेरी आशा है। तो मिलते हैं फिर किसी अगले पॉडकास्ट में। If you like this podcast, like this video, share with other people, and don't forget to subscribe this channel. If you have any suggestion, please do share in comment section. Or you can send mail us on following email ID myaworld.team@gmail.com. For download accessible apps, games, article, podcast and discussion about Android, visit Android World website, myaworld.net. That is myaworld.net. Visit and subscribe Android World for VI channel on YouTube. Our motive to make blind people smarter by using smartphones.